Let's start exercise 4.2, question number 5. The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base and hypotenuse is 13 cm. Find the other two sides. तो हम एक राइट ट्राइंगल गिवन है, आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, देन इट विल बी क्लियर टू यू. हियर इज अ राइट ट्राइंगल इज गिवन टू यू. ठीक है, राइट ट्राइंगल में दे आर सेइंग ऑल्टीट्यूड, ये होता है हमारा ऑल्टीट्यूड. दिस इज 7 मीटर लेस देन इट्स बेस. तो बेस एक्स है, ऑल्टीट्यूड होगा हमारा एक्स माइनस 7. हाइपोटेन्यूज इज गिवन टू अस 13 सेंटीमीटर. फाइंड द अदर टू साइड्स. तो हमें ये टू साइड्स को फाइंड आउट करना है. लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स, हमें गिवन है ये सेंटीमीटर में. ठीक है, देन ऑल्टीट्यूड इज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेन्यूज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल हमें गिवन है. ठीक है, तो इट मीन्स हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज हाइपोटेन्यूज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर. तो 13 का स्क्वायर होता है 169, एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 14x. ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या करते हैं हम 169 को इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169. तो यहाँ पे जीरो रह गया ना, तो हम जीरो को यहाँ लगाने के बजाय क्या करते हैं, इस साइड पे लगा देते हैं, इक्वल टू जीरो. नाउ 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 120 इक्वल टू जीरो. फिर 2 सभी में है, 2 को कॉमन है, 2 को बाहर निकाल देते हैं, 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, बिकॉज ये 2 जो है ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड होगा और जीरो बन जाएगा. अब हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 60, तो ये हमें पता है 12 5 60, तो हम 2 नंबर्स लेंगे 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू जीरो. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हम पेयरिंग करते हैं, फिर हम कॉमन निकालते हैं. तो सेम इस सम में भी हम कॉमन निकाल लेंगे. यू सी कि मैंने कॉमन निकाल लिए हैं, और फिर जो कॉमन है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो बाहर है उसको भी एक ब्रैकेट में लिख देते हैं. उसके बाद सिचुएशन आती है आइदर और वाली, x माइनस 12 इक्वल टू जीरो और x प्लस 5 इक्वल टू जीरो. एक्स यहाँ पे आ गया माइनस 5, यहाँ पे x आ गया हमारे पास 12. तो जो साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना, तो नेगेटिव वाला तो पॉसिबल नहीं है. तो इसको हम सपोज करेंगे, देयर फोर बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x हमने लिया था तो 12 सेंटीमीटर आ गया, और ऑल्टीट्यूड जो हमने ट्राइंगल का लिया था x माइनस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो ये आ गई हमारे पास दोनों वैल्यूज. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे that cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If total cost of production on the day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. So, इसमें क्या गिवन है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे उसका डबल करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे. आर्टिकल्स जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो हम एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ आर्टिकल सपोज कर लेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हमें गिवन है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एंड देन टोटल कॉस्ट गिवन है, और फिर हम इनका आंसर निकाल लेंगे. लेट्स सी हाउ टू डू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो उसने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं, एक्स, यही तो हमें ढूंढना है. ठीक है, नेक्स्ट हमें दी हुई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल.
तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वेशन आपको भी मैंने रीड करके बताई कैसे बनेगी. उसने बोला जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसका करना है ट्वाइस और उसमें 3 को प्लस करना है. ठीक है, 3 को प्लस कर दिया. नेक्स्ट हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट क्या बनती है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं और जितनी उनकी कॉस्ट है उनको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई 9. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 3x 90 को इधर ले आते हैं, माइनस 90 इक्वल टू 0. इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, कॉमन नहीं निकल रहा तो हमें ऐसे टू नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 2 इंटू 90 180 हो, और प्लस माइनस करके क्या है हमारे पास माइनस 180, और प्लस माइनस करके है हमारे पास 3. तो ऐसे कौन से टू नंबर्स लें, चलिए 180 के फैक्टर्स बना लेते हैं फटाफट से. 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15. तो हमारे पास ये फैक्टर्स बने. अब देखिए हम कैसे करें, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. तो देखिए दोनों नंबर्स आ गए हमारे पास, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा. तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0. सो 15 मैंने पहले ले लिया क्योंकि मुझे प्लस का 3 चाहिए, तो इसी के साथ हम प्लस 15 के आगे प्लस का साइन लगा दिया हमने. ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे. अब अगर हम कंसिडर करें तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना, हमें कॉमन फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा. इसमें से सिर्फ x कॉमन निकलेगा. देखिए इसमें से कॉमन निकलना मुश्किल है तो बेटर है हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0. ठीक है, समटाइम्स ऐसी आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है एग्जाम में, ऐसे आ जाए और आप सोचो कि अब सम सॉल्व नहीं हो रहा, आप अटक गए, ऐसा नहीं होता. समटाइम हम इसको रीअरेंज कर लें तो सम सॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसमें रीअरेंज कर लिया. अब देखिए कॉमन निकाल के 2x कॉमन निकलता है, x माइनस 6, इसमें से कॉमन हमारा क्या निकलेगा, 15 के टेबल में आता है 90. यस, 15 कॉमन निकाल लें, x माइनस 6 इक्वल टू 0. देखो हमारी दोनों ब्रैकेट्स भी सेम आ गई और हमारा सम भी सॉल्व हो जाएगा. x माइनस 6 2x प्लस 15 इक्वल टू 0. फिर हमारी सिचुएशन आ गई x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे आएगा माइनस 15 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे आएगा x. तो हमारी जो कॉस्ट है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती. ठीक है, सो दिस इज केस इज नॉट पॉसिबल. तो हम इसको सपोज करेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं वो हमारे x हमने सपोज किए थे, तो ना नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव हो सकते हैं ना ही कॉस्ट नेगेटिव में हमारी जाएगी. तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए हमारे 6 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल तो हमारे पास आएगी 2x, ये देखिए 2x प्लस 3 मैंने सपोज किया था, तो यहाँ पे 2x की जगह 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 हमारे पास आ गया 15. ठीक है, तो हमारी ये कॉस्ट है तो हम इसको रुपीस में लिख देते हैं, रुपीस 15. तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारी रुपीस 15 आ गई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास 6 आ गए और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया.